अगर आपको कभी डेट करने का किसी हीरोइन को मत पूछो यार। आपने क्रिकेट के बहुत सारे रूप देखे हैं, तो हमारे साथ आज वो हैं जो क्रिकेट के हर रूप में फिट हो जाते हैं। और खास बात यह है कि जब क्रिकेट मतलब बहुत मुश्किल था, अभी तो आईपीएल है और बहुत सारी चीजें हैं तो अब पहुंचना आसान है, लेकिन ये उस मुश्किल दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और बिहार को रिप्रेजेंट किया, और उस समय बिहार का लड़का मतलब जब क्रिकेट खेल रहा था तो गर्व की अनुभूति होती थी सारे बिहारियों को। ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, नेशनल सेलेक्टर रहे, इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, साथ ही साथ क्रिकेट के हर प्रारूप से जुड़े रहे, हमारे इंस्पिरेशन, लाखों के इंस्पिरेशन। हमारे साथ हैं सवा करीम सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। पहला सवाल तो यही है सर कि हमारे यहाँ कहते हैं बिहार में कि जब लड़का पैदा होता है तो यूपीएससी का एक कैंडिडेट हो जाता है, और आपने उस दौर में जबकि बहुत प्रचलित नहीं था, क्रिकेट तो पॉपुलर था लेकिन इतने मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी आसानी से, फिर आपने कैसे कन्विंस किया अपने आप को और घर वालों को मैं क्रिकेट खेलूंगा? अपने आप को तो कन्विंस किया नहीं मैंने, मुझे लगता है हमारे ज़माने में भी मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त थे जो स्कूल में थे मेरे साथ जी, उन सब की बस उनका सभी का ध्यान था कि वो भी यूपीएससी क्लियर करें, पर मेरे लिए चुना मेरे फादर ने। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे में कुछ ना कुछ टैलेंट है, वो पीछे लगे कि नहीं तुमको क्रिकेट खेलना चाहिए। और मैंने भी वैसे ही शुरू किया जैसे हर लोग शुरू करते हैं, कि मेरे दो बड़े भाई थे उनके साथ मैंने खेलना शुरू किया। तो मेरे पापा ने फॉर्चुनेटली मुझे नोटिस किया, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तब से मैंने खेलना शुरू किया। और फॉर्चुनेटली जब मैं 10th तक था तब मैं इंडिया अंडर 19 के लिए मैं गया था खेलने के लिए। तो एक बार जूनियर लेवल पर अगर आप इंडिया खेल लेते हो तो फिर अंदर से वो एम्बिशन जाग उठता है कि अगर आप जूनियर में खेल रहे हैं तो फिर आप सीनियर क्यों नहीं खेल सकते हैं। फिर 2 साल के बाद जब मैं स्कूल में था, 12th कर रहा था सेंट माइकल्स में, तब मुझे अंडर 19 इंडिया टीम का कैप्टन भी बनाया गया था। क्या बात। तो तब से लगने लगा कि नहीं, अगर मैं सीरियसली खेलूंगा, अगर ध्यान दे के खेलूंगा, पैशन के साथ खेलूंगा, तो फिर आगे चलकर मैं इंडिया के लिए भी खेल सकता हूँ। देख से मुझे चुन लिया गया ये लाइन में जाने के लिए। बट बातों से तो लग रहा है कि बहुत आसान हो रहा है लेकिन बहुत टफ था। एक्सपोजर कहां से, पता कैसे चला कि कैसे हम ट्रायल्स में जाते हैं, क्योंकि उस समय तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे ना? रिसोर्सेज लिमिटेड थे पर वहां पर उस वक्त सिस्टम बहुत ज्यादा क्लियर था कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप पटना डिस्ट्रिक्ट जो होता है वहां पे आपका सिलेक्शन होता है जूनियर लेवल में अंडर 19 में। उसके बाद वहां से आप खेलना शुरू कीजिए तो फिर आपका स्टेट में सिलेक्शन होता है बिहार अंडर 19 टीम में। वहां पर अगर आपने अच्छा किया तो फिर आपका सिलेक्शन ईस्ट जोन अंडर 19 टीम में होता है। और उस वक्त अच्छा भी ये भी हुआ था कि बीसीसीआई ने, मुझे याद आ रहा है 78-79 की बात है, कि एक जूनियर टूर्नामेंट शुरू किया था अंडर 15 विजय मर्चेंट। तो वो हम लोग, मेरा बैच पहला बैच था जिसने अंडर 15 खेलना शुरू किया, तो अंडर 15 में खेलने का मौका मिला स्टेट से, फिर ईस्ट जोन से, वहां से फिर सिलेक्टर को लगने लगा कि मेरे अंदर वो टैलेंट है, तो उन्होंने मुझे पिक किया 19 स्टेट के लिए, 19 जोन के लिए। तो गाड़ी ने रफ्तार ऐसे पकड़ ली तो फिर उससे सब आसान हो गया। आजकल तो खैर अलग बात है कि और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, पर अच्छी बात है, अच्छा लगता है गेम इतना ज्यादा इवॉल्व कर रहा है। आपने बड़े क्रिकेटर्स के साथ डेब्यू किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई में, सचिन दादा, तो किसी से जुड़ा कोई मजेदार किस्सा जो आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे स्पेक्टेटर्स, दर्शकों के साथ? कई सारे सिचुएशंस आए थे, बहुत मजा आया इन लोगों के साथ खेलने में। मेरा दौर तो अलग अलग था। सबसे पहले मैंने दौरा किया था वेस्ट इंडीज के 89 में, जब दिलीप वेंगसरकर कैप्टन थे, कपिल देव वाज देयर, वो सब सुपरस्टार्स थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे ओपोनेंट्स थे विव रिचर्ड्स और मैलकम मार्शल एंड कोर्टनी वॉल्स, फिर बाद में कर्टली एम्ब्रोज, और उसके बाद एक दौर आया जब सचिन कैप्टन था, फिर अजहरुद्दीन बिकेम द कैप्टन, देन सौरव टुक ओवर, और तो उस तरह से कई सारे सिचुएशन देखने को मिलते थे। पर अच्छी बात यह है कि डिफरेंट जो एराज रहा क्रिकेट का, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, मतलब हर टूर अलग होता था। तब भी कोई कहानी जो
मुझे याद आ रहा है कि हम लोग कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में पहला टेस्ट मैच था डर्बन का। डर्बन में मैं मैच नहीं खेला था, मैं रिजर्व में था और सौरव गांगुली नंबर तीन पर जाने वाले थे बैटिंग करने के लिए। उस वक्त नंबर तीन पर ही खेलता था सौरव और पहले इनिंग में हम आउट हो गए। फिर न्यूजीलैंड ने हमें फिर से सेकेंड इनिंग में जो हम गए बैटिंग करने के लिए, तो सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। सौरव वाज सपोज टू पैड अप नंबर तीन पे जाने के लिए और हमारे दो ओपनर्स जो थे उनमें से पहले ओवर में ही वो ओपनर आउट हो गया। सौरव तैयार नहीं था उस वक्त बैटिंग करने के लिए, क्योंकि उसको लग ही नहीं रहा था कि पहले ओवर में विकेट गिरेगा। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बहुत मजा आया था कि हम लोग सब तैयार हो रहे थे उसको पैड डालने के लिए, तो मैंने भी एक पैड निकाला, उसका पैड डाला, तैयार कर उसको भेजा और जाते ही पहली बॉल वो भी आउट होकर आ गया वापस। So, but those were very hilarious moments के बाद में सबसे नाराज, अरे मुझे पैड नहीं पहनता ना ठीक से, अरे तुमको पहनना था ना। हमने सुना है कि सचिन जो है अक्सर वो किशोर कुमार के गाने सुना करते थे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। उस वक्त तो वॉकमैन का जमाना था, वॉकमैन लोग वॉकमैन सुनते थे, वो जो हेडफोन्स होता है उसमें। किशोर कुमार बहुत बड़ा फैन है सचिन तेंदुलकर, उसके बाद अंग्रेजी गानों का बहुत बड़ा काफी शौकीन है वो, और खास करके डायर स्ट्रेट्स बहुत ही लाजवाब रॉक ग्रुप है। लीड सिंगर है मार्क नॉफलर, और मार्क नॉफलर के जितने सारे सॉन्ग्स हैं वो उसको याद भी हैं, उसको लगातार वो सुनता भी था। अभी भी मुझे लगता है कि आई एम श्योर दैट ही वुड बी लिसनिंग टू सच नंबर्स। राहुल द्रविड़ का अलग प्रिपरेशन रहता है, बहुत ज्यादा फोकस प्लेयर, मैच शुरू होने के एक दिन या दो दिन पहले से ही स्टार्ट टू प्रिपेयर। सेम विद अनिल कुंबले, उसके भी प्रिपरेशन की टाइम अलग होती है। सौरव लेड बैक, बट एक बार मैदान में अंदर चला गया तो फिर इज इंटेंसिटी इज अमेजिंग। तो सो मेनी, और आप तो एज अ कीपर थे तो कीपर तो बहुत मतलब बोलता रहता है, एनर्जाइज करता है अपने टीम को, तो गाली वाली भी कीपर्स कभी कभी देते हैं नए, तो आपने कभी दिया ही नहीं? मैं सिर्फ इंस्पायर करता था अपने प्लेयर्स को, पर मैंने वो स्लेजिंग व्लेजिंग कभी की नहीं है, तो उस हिसाब से बहुत बोरिंग। कभी बिहारी गाली नहीं दी किसी को? नहीं यार, वो सब कुछ नहीं किया। मुझे याद है मोइन खान के साथ हम जो खेलते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो खूब स्ट्रेचिंग करता था और स्ट्रेच करने के पहले वो जो माइक्रोफोन में जो कैम जो माइक होता है उसके ऊपर पैर रख के वो खूब स्ट्रेचिंग करता था। तो पर धीरे धीरे सारे क्रिकेटर्स को मालूम हो गए, इंडियन क्रिकेटर्स भी, फिर ऑल्सो वी ऑल्सो स्टार्टेड टू गिव इट बैक टू देम। But it was good days. अभी आप national selector भी रहे, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है? हमारे यहाँ ही वर्ल्ड कप है, टफ चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं इंजरी को लेकर, और चार हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर इस समय इंजर्ड हैं। KL राहुल, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, उसके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा। बुमराह तो अभी जा रहे हैं, बुमराह दोनों को आयरलैंड ले जाया जा रहा है ये चेक कराने के लिए कि वो फिट है कि नहीं। तो अब डिपेंड करेगा उनके परफॉर्मेंस पर, उनके फिटनेस लेवल्स पर। अगर वो फिट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कम से कम जसप्रीत बुमराह, अगर वो वापसी उनकी हो जाती है टीम में, तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। KL राहुल, श्रेयस अय्यर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वन डे के लिए। KL राहुल विकेट कीपर बैटर, नंबर फाइव पर आते हैं बैटिंग करने के लिए और स्टेबिलिटी देते हैं टीम को। उनका नहीं रहने से मुझे लगता है कि परेशानी होगी। सेम विद श्रेयस अय्यर, क्योंकि हम लोगों ने अभी भी चार और पांच की जो स्लॉट है, बैटिंग स्लॉट जो है, उसमें जितने सारे प्लेयर्स को ट्राई आउट किया है अभी तक पिछले करीब 6-8 महीने में, उनमें से उस तरह का कोई स्टेबिलिटी या फिर कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नजर नहीं आ रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम एरिया रहेगा भारत। लास्ट में सर हम लोग करेंगे रैपिड फायर राउंड, अगर आपने सही सही जवाब दिया तो हम आपको दाल भात चोखा पापड़ तिलौड़ी जो बिहार का खाना है वो खिलाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, एक सुबह उठे और आप धोनी बन गए तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम करूंगा मैं बड़े बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दूंगा। वो मैंने उतना किया नहीं खेला। ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल रहे थे। अगर चुनना हो लारा और सचिन में तो कौन? दोनों को नहीं चुन सकता क्या है? दोनों बहुत बड़ा प्लेयर है। बिकॉज ब्रायन लारा को मैंने कब देखा था, 1989 में जब गया था खेलने के लिए, तब मैंने देखा था ब्रायन लारा को। ही वॉज 16-17 साल का वो लड़का था, तब उसने हमारे अगेंस्ट एक फर्स्ट क्लास मैच में 170-180 किया था। तो वो भी इनक्रेडिबली गिफ्टेड प्लेयर है। तो वो चूज करना है बट एसआरटी इन द एंड। गांगुली, धोनी बेस्ट कैप्टन? धोनी के अंडर तो मैंने खेला नहीं है, आई वुड गो फॉर सौरव बिकॉज ही हैड दिस रियल टैलेंट। बेस्ट आईपीएल टीम? सीएसके। सीएसके ऑलवेज। बिहार का कोई क्रिकेटर जो आपको लगता है कि ईशान किशन बिग टाइम,
पर वो तो बिहार के लिए खेल नहीं रहा, झारखंड के लिए खेल रहा है, पर यहीं का प्लेयर है मुकेश कुमार आल्सो फ्रॉम देयर। यहाँ के कई सारे प्लेयर्स अब सामने आ रहे हैं, मुकेश तो बंगाल से चला गया है, अब धीरे धीरे करके इस साल बिहार इलीट में खेलेगा तो वहां पे जो परफॉर्म अच्छा करेंगे प्लेयर्स उनको मुझे लगता है कि आगे चांसेस मिलेगा। अगर आपको बीसीसीआई सुबह उठे और बीसीसीआई के हेड हो गए तो दो तीन काम जो क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट के लिए, मैं बीसीसीआई के लिए काम कर चुका हूँ एज जनरल मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशंस, तो मुझे पता है वहां पर क्या करना है। मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट जो कि हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट को और बढ़ावा देना, विमेन क्रिकेट पर और ज्यादा जोर देना क्योंकि विमेन क्रिकेट बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप इतने इंटेलेक्ट भी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, उस समय क्रिकेट खेलते जब आप यंग थे तो काफी लड़कियां दीवानी होंगी आप? नहीं नहीं यार, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ उस वक्त, ऐसा होता नहीं, सिर्फ बातें होती रहती है कि इंडियन टीम के साथ ये होता है, वो कुछ भी नहीं था। वी लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ बिकॉज उस वक्त क्या था कि हम लोग बहुत ज्यादा समय साथ साथ गुजारते थे टीम मेंबर्स, क्योंकि उस समय सिंगल रूम नहीं हुआ करते थे, वी वुड शेयर। अच्छा, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा था, सो वी मेड सम वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ यू नो फ्रेंडशिप विद सौरव गांगुली। सौरव तो चलो खैर वो तो अपनी जगह का ही है, बंगाल का है, बट इवन राहुल रावेर, अनिल कुंबले एंड श्रीनाथ एंड वेंकटेश प्रसाद। सो सबसे मस्ती खोर कौन था आपके साथ? वेंकटपति राजू। वेंकी। और रूल्स तोड़ने में माहिर कौन था? जडेजा। जडेजा, great friend of mine, but he was an excellent player. Oh, मतलब party रात को। Yeah, हाँ मतलब all of us would be out together, but good fun. धोनी के बारे में last, क्या धोनी as a player, as a आपने वक्त बिताया धोनी के साथ? Actually धोनी को सबसे पहले मैंने देखा था जब वो बिहार के लिए खेला करता था, उस समय मैं बिहार का selector था, way back, that was the second year I think रणजी ट्रॉफी, उस वक्त बिहार था, झारखंड बना नहीं था, तब से मैंने वॉच करना उसको शुरू किया है, तो बहुत अच्छा लगता है the way he has grown, not only as a cricketer, as a captain, but more importantly as a person. And the best part about MS is that अभी भी जब भी मुलाकात तो कम होती है, पर जब भी मैं मिलता हूँ वही स्नेह के साथ, वही आदर के साथ मिलना, और ये दर्शाता है कि जो इमर्जिंग टाउन्स होते हैं जैसे पटना हो गया, रांची हो गया, इस प्रकार से कई ऐसे टाउन्स हैं, वहाँ से जो आप सीख के आते हैं वही गुण जो है आप में बड़े होकर भी वही वही सारी चीजें जो कैरेक्टर्स हैं आपके वो नजर आते हैं। योर फेवरेट एक्ट्रेस? माय फेवरेट एक्ट्रेस ओ नाउ इस वक्त आलिया भट्ट। नहीं कभी भी आलिया भट्ट। अगर आपको कभी डेट करने का किसी हीरोइन को मौका मिले मत पूछो यार। तो ये थे हमारे साथ सबा करीम सर, जिनको मैं प्यार से सबा भैया भी बोलता हूँ, चूंकि ये अपने बिहार के हैं, और खास बात ये है कि इन्होंने कहा कि क्रिकेट को ये पैशनेटली प्यार करते हैं, चाहे वो एज ए प्लेइंग मेंबर हो, चाहे वो सेलेक्टर हो, चाहे वो ऑपरेशन जनरल मैनेजर हो, या फिर किसी और रूप में हो, कमेंटेटर तो खैर ये बेहतरीन करते ही हैं, तो ये बिहार की शान है, देश की शान है। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, इसी तरह से आप ग्रो करते रहिए और हम सारे बिहारियों का मान, हम सारे हिंदुस्तानियों का मान बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। और आप इस तरह के इंटरव्यूज आप देख रहे हैं और देखते रहेंगे, इसके लिए बस आपको एक काम करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और जन जन तक फैला देना है। Instagram और Facebook के रेडियो सिटी पेज से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।